सब्सक्राइब कीजिए ऋषभ क्रिएशंस को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आगे आने वाली कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। साल 2019 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होते जा रही है, क्योंकि यार इस साल बहुत सी कंपनियों ने अपना नया इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट बाजार में पेश किया, जो कि एक इशारा है कि भाई सभी कंपनी ईवी ही बनाना चाहती हैं। तो ऐसे में इसी रेस में जापान की एक कंपनी होंडा ने भी अपना एक इलेक्ट्रिक कार अभी हाल ही में पेश किया है, जिसका नाम है होंडा ईवी रस VE1। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी होंडा ई प्रोटोटाइप की, जो कि काफ़ी महंगी कार थी, लेकिन होंडा ने इस सेगमेंट की जो कार है काफ़ी सस्ती आने वाली है और इस गाड़ी का लुक हमें कुछ एक SUV का देखने को मिलता है। अगर दोस्तों अगर आप इस गाड़ी को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको HR-V से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती लगेगी, बस इसमें कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर स्टाइल में चेंजेस किए गए हैं। ये गाड़ी एक फुल्ली लग्जरी कार होने वाली है, जो कि 5 सीट्स ऑप्शन के साथ आएगी। अगर हम लोग इस गाड़ी के रेंज के मामले में बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 53.6 kWh की लिथियम बैटरी देखने को मिलती है, जिसको आप एक बार में फुल चार्ज कर 310 किलोमीटर से भी अधिक कार राइड कर पाएंगे। पावर एंड टॉप स्पीड के मामले में बात करें तो हाँ दोस्तों, ये गाड़ी आपको निराश यहाँ नहीं करने वाली है। इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक मोटर 120 kW @163 PS तक का पावर जनरेट करता है विद द टॉर्क ऑफ 280 Nm। जी हाँ दोस्तों, इतनी भाई पावर काफ़ी होगी किसी के लिए भी, बाइक को रेसर भी रहेगा उसके लिए भाई पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर हम टाइपिकली प्रैक्टिकली से टॉप रफ्तार की बात करते हैं, कह सकते हैं 100+ तो भाई बिल्कुल ही आराम के साथ पार कर जाएगी। इस गाड़ी के अंदर आपको 17 इंच के व्हील देखने को मिलते हैं और बाकी ये गाड़ी एक कॉन्सेप्ट लुक के साथ आती है, तो जैसा आपको यहाँ पे ब्लू लाइटिंग दिख रही है तो हो सकता है ऑन प्रोडक्शन मॉडल भी आपको ना देखने को मिले। अब दोस्तों बात करें ये गाड़ी कहाँ दिखाई गई थी, ये गाड़ी दिखाई गई है यूरोप के अंदर। दोस्तों एज अ एक्सपेक्ट देखिए, कंपनी का प्लान ये है कि पहले इसे यूरोप में लॉन्च किया जाए, फिर इसे भाई चाइना के मार्केट में आ जाएगा, फिर चाइना के मार्केट में लॉन्च होने के बाद एशियन मार्केट में दूसरी नंबर पैदा आती है इंडिया का, तो इंडिया में फिर दोस्तों चाइना के बाद ये इंडिया में लॉन्च होगी। तो अगर मैं लॉन्चिंग प्राइस बताऊँ कितने रुपये में गाड़ी आएगी, तो 15 लाख रुपये बस इसकी कीमत रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, 15 लाख रुपये में आपको एक इलेक्ट्रिक SUV, इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी कंपनी यहाँ पे ऐसी कार नहीं प्रोड्यूस अभी की है अभी तक, तो मुझे लगता है 15 लाख का प्राइस इसके लिए भाई रीजनेबल है और गाड़ी की लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है देखने में और एक पावरफुल इंप्रेशन जमता है गाड़ी को देखकर। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, कमेंट करें अपना ओपिनियन आप क्या सोचते हैं इस होंडा की EVRS EV1 के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर नए आए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपने खूब देख गया और ऐसे ही मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।